पंचकुला के सेक्टर 5 ग्राउंड में एशियाड सर्कस शुरू हो गया है, लेकिन लोगों में सर्कस देखने का उत्साह ना के बराबर है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में अब सर्कस का क्रेज खत्म होता जा रहा है। एशियाड सर्कस के मैनेजर सतीश कुमार ने बताया है कि आधुनिक युग में युवा और बच्चे मोबाइल में ही ज्यादातर गेम खेलते हैं और देखते हैं, जिस कारण सर्कस लुप्त होता जा रहा है। और हम लोग को गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं है, और जो पहले जानवर वगैरह हुआ करते थे तो वो एनजीओ वालों ने सारे ले लिए हैं और सोनी करने थे, जबकि हम लोग बहुत अच्छे से रखते थे जानवरों को, चिड़ियाघरों से बहुत अच्छे थे हमारे जानवर, हेल्दी होते थे। एनजीओ वालों ने सब ये करके सर्कस एकदम खराब कर दिए हैं। और हिंदुस्तान में वैसे भी बहुत सारे सर्कस थे, अभी टोटल 6 सर्कस बचे हैं हिंदुस्तान में। हम लोग जैसे तैसे चला रहे हैं कि उतने लोगों के पेट जुड़े हैं और रोजगार जुड़ा आदमियों का कहाँ जाएंगे, इस वजह से हमारा मालिक चला रहा है। टाइम में बच्चे और सारे बड़े लोग भी मोबाइल पे व्यस्त हैं, व्हाट्सअप फेसबुक मेन कारण तो ये है। बच्चों के इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं रहा कुछ, जबकि ये सर्कस है जो हमारे लिए बड़े ज़रूरी, हमारे शरीर का हिस्सा भी है ये, और हमें देखनी भी चाहिए और हम अपने बच्चों को प्रेरित भी करते हैं, पर बच्चों का ध्यान व्हाट्सअप पे ही रहता है टाइम। दूसरा कारण है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। सतीश कुमार ने बताया कि सर्कस में हाथी तोते जैसे जानवर एनजीओ में बंद कर दिए गए हैं, इस वजह से भी बच्चों को सर्कस को लेकर क्रेज खत्म हो गया है। तो वहीं सर्कस में जोकर का किरदार निभाने वाले भारद्वाज ने बताया है कि वो 14 साल से सर्कस में काम कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में इंटरनेट और मोबाइल ने सर्कस का काम खत्म कर दिया है। हमको 14 साल हो गए जी, 14 साल से हम सर्कस लाइन में काम कर रहे हैं, और इस कंपनी में जो ये सर्कस है इसमें हमको 3-4 साल हो गए सर। आजकल जैसे बच्चों में और युवाओं में सर्कस का क्रेज खत्म होता जा रहा है, हाँ जी, तो आप क्या कारण मानते हैं, कैसा क्यों हो रहा है? सर इसलिए हम ये कारण मानते हैं, जैसे कि जानवर नहीं है, मोबाइल नेट द्वारा ये चल रहा है, क्योंकि अब तो इसका जो कम होते जा रहे हैं तो इसमें तो बहुत है, जैसे माँ बाप से भी बच्चे लोग दूर होते जा रहे हैं, भाई बहन से दूर होते जा रहे हैं, जब से मोबाइल निकला है मोबाइल द्वारा आदमी अपने अपने से मतलब रखते। गौर करने वाली बात यह है कि भले ही आज के बच्चे तकनीकी के साथ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सर्कस जैसी चीजों से अब उनका नाता टूटता जा रहा है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं सर्कस संचालकों को भुगतना पड़ रहा है। पंचकुला से चंद्रशेखर धरणी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।